जाने। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ठीक हो गया तो जैसे कि आपको पता है दैट वी आर ट्रैवलिंग, तो इस वजह से जो शॉपिंग है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है और अब आगे जितने भी मेरे व्लॉग्स आने वाले हैं उन सब में जो है ना आपको मेरी शॉपिंग दिखने वाली है। तो चले आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं, टुडे इज़ फ्राइडे, और अभी हम लोग जा रहे हैं ओएसिस मॉल जो कि मेरे घर के बहुत करीब है। तो चले आज का व्लॉग शुरू करते हैं। कहाँ से? नहीं वहाँ से लिफ्ट जा सकते हैं, रात वाला काम है तेरे। मैं तो बोला अरे लड़की ब्रिज के ऊपर से ब्रिज के नीचे से नहीं, शारजा में रहती है तेरे को रास्ते मालूम ब्रिज का वो अल्लाह ऊपर वाले रास्ते की बात कर रही हूँ। oh, yes, yes. तो इधर से ब्रिज के नीचे मैं कैसे जाऊंगी? डेफिनेटली मैं अकेली होती हूँ तो आई हैव टू टेक डिसीजन ऑन माय ओन। ओके एंड आई फॉलो द यू नो लेन्स ऑल दैट स्टफ। ओके बट व्हेन आई एम विद यू, यू आर द वन टेलिंग मी गो हियर गो देयर गो हियर। लास्ट जैसे हुआ था सामने जो था थड़ा था, बाबा कह रहे जा जा सीधे आ जा जा, और मैं फोन पे बिजी था और बाबा कह रहे थे मैंने अचानक गाड़ी मुड़ी क्यों है, मैंने इसको रॉन्ग ट्रैक बताया हुआ था और ये सीधी जा तो सकती और सोचो अगर मैं चली जाती फिर क्या होता। सोचो तो तुम्हारी ये चार आंखें जो है और मैं उधर खड़ी रहती और बाबा कहते हैं तेरे में अक्कल नहीं है अगर मैंने तुझे बताया था। और फिर मुझे क्या कहते हैं, नहीं तुलिन वहाँ से तुम इंडिकेटर देके तुम चली जाती। ओ भाई इतनी स्पीड में पीछे से आते हैं लोग, मुझे देंगे रास्ता? वो पागल है क्या? फाइन फाइन को छोड़ो, लोग रास्ता नहीं देते हैं जब सिग्नल खुल जाए, आप फास्ट जा रहे होते हो तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल वो बात नहीं है, वो गाने के चक्कर में ना उसका दिमाग उधर था। अच्छा। गाने पे था और पीछे से गाड़ी के उसके ना इधर मुंह पे ले गई। वो कह रही है नहीं नहीं उसकी गलती है। भाई उसकी गलती नहीं है, आप ही गलती है। यही तो था उस दिन भी, यही था। आप कंफ्यूज हो गई थी? नहीं इधर थी मैं, फिर दूसरे ट्रैक पे थी। मैं दूसरे पे थी। यहाँ से मुझे उस तरफ होना है। चले ओएसिस मॉल आ चुका है, आप राइट पे रहो। सबर सबर उसको जाने दो गाड़ी को। नहीं नहीं मुझे जाने दे, क्योंकि मुझे ओएसिस जाना है, इसको जाने दो। क्यों जाने दे रही उसको? काशिफ डोंट टेल मी व्हाट टू डू। मुझे लगा एंट्रेंस वो है इसलिए मैंने वहां खड़ी की है। जी बेटी छोटा सा ना बेचा, ब्रांड न्यू भी है, इस्तेमाल भी नहीं हुआ हुआ ब्रांड, थोड़ा सा भी इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके अंदर कहाँ खड़ी करोगे? स्कूटर है क्या? कर सकते हैं जैसे वो खड़ी हुई है। नहीं कर दे, मोड़ दे। उन लोगों ने पार्किंग क्यों दी हुई है फिर? ये ऑफ रोड पे पार्क करने का मजा ही अलग है। देख टीचर्स तूने पत्थर पे चढ़ा दी। तो आज फ्राइडे है एंड हमें पता लगा था दैट टुडे इज ब्लैक फ्राइडे और मुझे लगा कि यहाँ पे बड़ा रश होने वाला है ओएसिस मॉल में, लेकिन बिल्कुल ही खाली है, बिल्कुल ही खाली है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्या हुआ। ब्लैंक फ्राइडे मुझे लगा बड़ा क्राउड होगा, चलते चलते हैं बाबा देख लेते हैं कोई चीज़ अगर अच्छी लग जाती है, कोई समझ में आती है तो हम लोग ले लेते हैं। तो ये चीज़ है, वी आर इन स्प्लैश और ये सारी विंटर क्लोथिंग आ चुकी है। बाबा ये देखो कितना क्यूट है ये वाला, दिस वन। How much is that? 99 का है। दिस इज मी एंड दीज आर सम क्लोथ्स। ये बड़ा प्यारा नजर आ रहा है, दिस इज सो ब्यूटिफुल। मुझे लगता है यहाँ पे बाबा शाम में रश होगी या लोगों को पता ही नहीं आज है। नहीं तो फिर ये क्यों इतना वो शोर मचाया हुआ था? अच्छा लेकिन होता तो है इन शॉप। अच्छा हम आ चुके हैं लड़कियों के सबसे फेवरेट सेक्शन में, ज्वेलरीज। ये कितना मजे का बाबा, ये वाला देखो। और ये क्या है? चूड़िया। तो कल हम लोग गए थे सूट्स देखने रेमंड में और वहाँ पे इतने एक्सपेंसिव थे। अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉग नहीं देखा तो जाकर देखिए कि कितनी प्राइसेस थी उसकी।
तो नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे कितने के हैं स्प्लैश में। पापा ये शर्ट इसके साथ आएगी सेपरेट? ऐसे पहनते हैं, ऐसे पहनते हैं। अच्छा आप इसकी प्राइस बताओ मुझे। हाँ मिशाल आप ऐसे पहनिएगा। अच्छा इसका मुझे प्राइस बताओ जल्दी से। नहीं सीक्रेट है ये, बता देना बता दे नहीं तो कश्यप। दिस इज ऑफ 249। दिस इज बेटर ना। बेटर देन आप जो है सिलवाएं इसके साथ। नहीं इतना खास नहीं लगता पापा। ब्लू ट्राउजर गाइस यहां पे मेरे पापा मैच करके दिखा रहे हैं कि आप क्या-क्या पहन सकते हैं। मरून कोट के नीचे ब्लू ट्राउजर एंड देन ब्लू, लेकिन ये ब्लू अलग नहीं है। इवनिंग वेयर। अच्छा मतलब जरूरी नहीं है कि सेम सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। बाबा आप अपनी भी ड्रेसिंग दिखा दो। मैं शायद ब्लैक वेलवेट पहन लूंगा और मिशाल रेड वेलवेट। शो मी योर ड्रेस टुडे। ये व्हाट यू आर वेयरिंग आउटफिट ऑफ द डे। ओके आउट ऑफ द डे। बाबा यहां पे ट्राई करने वाले हैं। पापा आपका एंगल वो वाला हटिए मम्मा। माय अब्बा इज ऑलवेज लाइक टू लीन ऑलवेज टेक माय गुड एंगल। दिखाइए। ओह माशाल्लाह। अच्छा जो जो इस टाइम मेरा ब्लॉग देख रहे हैं प्लीज माशाल्लाह बोल दीजिएगा। क्यूटी। लेकिन पापा की मिशाल के साथ सूट नहीं करेगा क्योंकि मेरे बाबा गोरे हैं। सेम है। बाबा गोरे हैं और मिशाल काला है। ऐसे नहीं कर सकते। कहाँ है इसका फोटो? कहाँ किसका? आपके साथ ब्लैक अच्छी लगेगी, लेकिन आई थिंक ब्लैक इज अ वेरी कॉमन कलर। Very common. चलो। यहाँ पे मेरे अब्बा कंफ्यूज हो रहे हैं अभी लें या बाद में लें, कि बाद में शायद और स्टॉक आए। सेम प्राइस होती है जैकेट। चलो इवन सारा देखिए ज़ारा पे 350 तो बाबा हम ज़ारा ना देखें सहारा सेंटर। हाँ ज़ारा ना देखें। बाबा इसकी चुटिया देखें मेरे से भी ज़्यादा अच्छी है। मेरी मामा को ना मेरे से एक ही गिला है गाइस कि मैं कभी भी ना चुटिया नहीं बनाती अपने बालों की, ब्रेड नहीं बनाती हूँ, बिकॉज जब मेरे बाल में खोलती हूँ ना इतने कोई गंदे किस्म के हुए होते हैं तो आई डोंट लाइक इट। अच्छा सो दीज आर सम डिफ्यूज़र्स जो अभी हम लोग घर के लिए ढूंढ रहे हैं। सो लेट्स सी कहाँ से अच्छा मिलता है। पापा कितने के हैं ये? घर पर लगाने के लिए। और ये गाड़ी के लिए परफ्यूम्स यहाँ से भी मिलते हैं। ये आप गाड़ी में रख सकते हैं, ये वाले डैशबोर्ड में रखेंगे तो इतनी खुशबू आएगी। पापा आप सूंघ कैसे रहे हैं? वेरी इन लाइफस्टाइल। और यहाँ पे ये सारी की सारी फ्रेग्रेंसेस हैं व्हिच इज ऑफ 21 दिरहम। ये हेयर डिफ्यूजर के लिए। हाँ ये खुद पे लगाने के लिए नहीं है, डिफ्यूजर के लिए। बड़े जबरदस्त। हाँ यस। और अगर और जब खुशबू अच्छी आएगी तो, और अगर सर दर्द हो रहा है तो कॉफी बीन्स। कॉफी बीन्स क्योंकि आपने डिफरेंट उसको किया ना, क्योंकि बाबा को हो जाता है, कुछ लोगों को होता है, वैसे मुझे नहीं होता। सेंटेड कैंडल्स भी हैं। एक ले लेते हैं ना। एक ले लो मुझे चाहिए रूम के लिए। मुझे तो बाथरूम में अच्छी लगती है। अच्छा वाओ ये आपकी बेडरूम जैसी भी है। दिस इज सो नाइस। हाउ मच इज दैट? And this one as well. बस कर दो, डायमंड होता तो यहाँ लटकाया हुआ था क्या? मतंग हो रही है पापा। तो ये है बेबी शॉप, यहाँ से मैं बचपन में कपड़े लिया करती थी। तुम्हारे बचपन के दिन कितने अच्छे थे। चला चला दो, जरा भी अच्छे नहीं लग रहे आप तो। खैर बचपन की यादें हैं। एंड ऑल्सो पापा लेट मी स्पीक। अच्छा तो मेरे अभी भी मेरे पास ना कुछ थोड़े थोड़े कपड़े जो हैं बचपन के पड़े हुए हैं जो आज तक हमने रखे हुए हैं, कि वो एक मेमोरीज होती है ना, है ना बाबा? जी जी। कि जब हम बड़े हों और देखें और वो अभी भी हम लोगों ने रखे हुए हैं संभाल के, और मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगी। नहीं अब मैंने तो देख लिया ना पापा। को मम्मा को इतनी जल्दी, मम्मा कह रही हैं ऐसे काम नहीं होते, जल्दी करो तुम लोग लेट करा रहे हो, है ना? तो बस ये सीन है। अभी हम लोग आए हैं मैक्स में, यहाँ पे मुझे विंटर कलेक्शन ना
स्प्लैंड से ज़्यादा मुझे यहाँ अच्छी लग रही है। क्यों बाबा? कोट एंड दीज शर्ट्स, ट्रेंडी स्वेट शर्ट्स बहुत ज़्यादा। और ये देखो स्वेटर्स मामा, बहुत मज़े मज़े के कपड़े हैं यहाँ पे। तो ना दे ये ले दे 24 कैरेट। काशी मेरे हाथों में पूरा भी नहीं आ रहा। अच्छा लग रहा है ये देखो। और ओके गाइस, वी हैव गॉट सम ज्वेलरी बाबा। सो वी हैव गॉट सम इयररिंग्स एंड आई हैव गॉट सम रिंग्स, सो आई एम गोना शो यू इन अ व्हाइल। एंड द ब्रांड इज ये कितना अच्छा है ये वाला 30-40-45 है ये। क्या तुम अठानी चवानी जमा कर रही हो तुम लोग? ये मम्मा दिखाओ। We spent 68 दिरहम्स। तो अभी हम लोगों ने लिए हैं तीन झुमके, एक पेयर ऑफ थैंक यू। आ जाओ बाबा। क्या अब फिर ये लोग लटक गए यहाँ पे। वाह दिस इज सो ब्यूटीफुल। हाउ मच इज दैट? 29। चलो यल्ला ओके। और अब निकलते हैं। एंजाइटी हो रही है सर, लेट्स हैव अ कॉफी। बाबा को एंजाइटी हो रही है कॉफी पीने की। मतलब सही बहाना है बाबा कॉफ़ी पीने का। तो मैंने कहा बाबा कॉफ़ी शॉफी नहीं पीएंगे? कहते नहीं 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 मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे कॉफ़ी पीनी है। बहुत ड्रामेबाज है भाई। तो अब ये कॉफ़ी पी लें। अंदर बैठने की जगह ही नहीं बाबा, उनके साथ खड़े हो जाएंगे अंदर। चलो कह रहे हो उनके साथ अंदर खड़े जाएंगे। हाय। तो बाबा तीन तो नहीं है सीट्स, बिकॉज बहुत अच्छा जुगाड़ कर लेते हैं। अब अपने लिए खुद कुर्सी ले आना ठीक है। तो अब मैं तो नहीं पीऊँगी। लेट मी शो यू आर ज्वेलरी, बल्कि नहीं दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी मैं। वो अब आप आगे आने वाली मेरी जितने भी सीरीज़ हैं, मुझे ऐसा लगता है मुझे अब सीरीज़ बनानी चाहिए। क्यों ना एपिसोड 1 तैयारियों का, 2, लेकिन वो मैं पाकिस्तान जाके सीरीज़ बनाना स्टार्ट करूँगी। एंड आई एम श्योर बहुत मज़ा आने वाला भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। एंड अगर आप लोगों ने मिस नहीं करना तो आपने जल्दी से सब्सक्राइब करना है जी पापा। और एक चॉकलेट डोनट। हाँ पापा, मुझे नहीं अच्छा लगता वो। हमेशा ना पापा क्या करते हैं, अपनी मर्जी की चीज़ें ले लेते हैं। मतलब उनको ब्लूबेरी पसंद है और रोल पसंद है, तो वो अपने लिए अपनी मर्जी का ले रहे हैं। वाह पापा, अभी आपको एंजाइटी नहीं हो रही चेक करते हुए? हैं तो आप नहीं बाबा, आपने लास्ट टाइम भी खाया था, मैंने नहीं खाया था, मुझे नहीं पसंद ज़्यादा। वो ना आप वो चॉकलेट ले लो, चॉकलेट ठीक है, चॉकलेट मफिन। चलो चॉकलेट मफिन एंड कॉफी लो। सो गाइज, आई एम वन ऑफ दोज पर्सन जो उसी टाइम चीज़ लेके उसी टाइम खोल के पहन लेते हैं। और ये सब में ये सिर्फ मुझ में नहीं है, ये अब्बा में भी। आप भी लो। हाँ हम तो जल्दी जल्दी पैकिंग खोलो, उसी टाइम ट्रैवल करके आओ, जल्दी जल्दी वो बैग सारे खोलो, चाहे जितने मर्जी थके हुए हों, ट्रैवल करके आए हुए हों। अब जैसे कल मैंने कपड़े लिए थे, खोलो। मैंने कल कपड़े लिए थे, मुझे बन रही है ना। कॉफ़ी पीने के बाद अभी हम लोग एक और मार्केट आए हुए हैं, जो कल हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो है बाबा को पसंद नहीं आई, तो बाबा ने कहा उसको रिटर्न करवाते हैं और कुछ और देखते हैं। ये बच्चे को देखो ज़रा, वी आर इन डेबिनहैम्स। तो बस अभी वो चेंज करवाते हैं एंड देन हम घर चलते हैं। जा रहे हैं घर, और ये आप देख सकते हैं रश, क्योंकि अब वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए ये आपको रश नज़र आ रहा है। सो वी आर बैक होम, और अभी जाके खाना खाते हैं। तो गाइज, हम लोग घर आ चुके थे और हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया था। अभी मामू और मिशाल आ चुके हैं, और आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि आज मिशाल मेरे लिए क्या लेके आया है। टिम हॉर्टन से डोनट लेके आया है। और मिशाल, आर यू सीरियस? मिशाल सुबह 11 बजे से पढ़ा हुआ तेरे पास?
बासी हो गया। मतलब विशाल ने अपने लिए कॉफी मंगवाई थी और साथ में इसने डोनट मंगवाया था, ठीक है। तो अब ये हुआ है कि ये डोनट जो है इसने खाया नहीं, मुझे पता है क्यों नहीं खाया, ठीक है, वरना इतना अच्छा नहीं है मेरा भाई कि वो मेरे लेके आए। इसलिए मामा मुझे पता है, क्योंकि आजकल ये अपना वेट रिड्यूस कर रहा है और ये मीठा वगैरह जो है थोड़ी चीज़ों को कट डाउन कर रहा है, एंड दैट्स द रीज़न इसने संभाल के रखा है। इसने कहा चलो घर जाऊँगा तो फिर इनको दे दूंगा, ऐसा ही है मिशाल। लेकिन चलो, थैंक यू सो मच मिशाल।